हेलो दोस्तों, यस बैंक में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। अगर आपने ख़रीदा है या आप ख़रीदने वाले हो फ्यूचर में, तो दोस्तों ये न्यूज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को आप ख़रीद रहे हो उसका यूज़ और साइड इफ़ेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हो 13% जो है गिरावट हुआ है येस बैंक में 25 के आसपास। लेकिन दोस्तों दो न्यूज़ मैं सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहला न्यूज़ दोस्तों, यस बैंक में SBI ख़रीदने के लिए तैयार हो गया। मतलब कि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक का स्टेक ख़रीदने के लिए तैयार है, और दोस्तों 7,250 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है यस बैंक में। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि दोस्तों येस बैंक का प्राइस जो है, शेयर का प्राइस, वो 10 रुपये के वो प्राइस में वो ख़रीदेगा। और यहाँ तक कि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने बताया है कि येस बैंक का जो प्राइस है, जो लिस्टिंग प्राइस होगा, वो 10 रुपीज़ होगा। तो अगर आपके पास 300 शेयर हैं तो आपको मिलेगा केवल 100 शेयर। अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो अगर आपके पास 33 शेयर ही में मिलेंगे। मतलब दोस्तों आपसे 30 रुपीज़ का भी जो येस बैंक का प्राइस चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 25 का इसका जो हाईएस्ट प्राइस है दोस्तों, वो 28 के आसपास चला ही गया था। मतलब कि दोस्तों 30 रुपीज़ के आसपास, और इसका लिस्टिंग प्राइस होगा दोस्तों 10 रुपीज़। तो अगर आप और ख़रीदना चाहते हो आगे पीछे, तो ये आपको इन्फॉर्म ज़रूर रहना चाहिए कि आप जिस चीज़ को ख़रीद रहे हो नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। और एक जो गुड न्यूज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि येस बैंक में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। पहले नहीं थे लेकिन अब हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग जो है इंटरेस्टेड हो रहे हैं येस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर ही आप देख सकते हो दोस्तों, येस बैंक स्टेक बाय राकेश झुनझुनवाला। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला वो प्रोडक्ट ख़रीदता है जो प्रोडक्ट मल्टीबैगर बनने वाला होता है। तो हो सकता है कि दोस्तों आपको अच्छा खासा भी रिटर्न दे सकता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दमानी, HDFC, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले इंटरेस्टेड इसलिए नहीं थे क्योंकि दोस्तों येस बैंक में बहुत सारी फ्रॉड चल रही थी, और आपको तो पता ही है कि राणा कपूर ने येस बैंक के साथ क्या किया, बहुत ही गलत किया जो किया, उसके वजह से इन्वेस्टर को भी बहुत नुकसान हुआ। अगर आपको नुकसान हुआ है तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ कितने लोग अगेंस्ट में हैं, राणा कपूर जी के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया है दोस्तों वो तो बहुत ही गलत है। पब्लिक को रिलीफ मिलना ही चाहिए उनके वजह से। आज के डेट में अगर हम नोटिस करेंगे तो येस बैंक को पूरा, मतलब कि एक होता है कि उसको रिलीफ मिलने के बाद भी येस बैंक को वो प्रेस्टीज, वो इज्जत नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों पब्लिक डर गई है। और फिक्स डिपॉजिट, जितने भी पब्लिक है अपने फिक्स डिपॉजिट को वहाँ से निकाल रहे हैं येस बैंक से, और निकालने के बाद अलग अलग बैंकों में डाल रहे हैं। हालांकि दोस्तों अलग साइड से भी, मतलब कुछ डिफरेंट साइड से भी एक न्यूज़ आया था कि अब जो है बैंकिंग सेक्टर में आपको थोड़ा बहुत अपर सर्किट देखने को मिलेगा, इस वजह से क्योंकि येस बैंक में जितने भी इन्वेस्टर थे, मतलब सॉरी जितने भी फिक्स डिपॉजिट करने वाले जितने भी वहां थे, वो सब दोस्तों अपना हटा के अलग अलग बैंक में डाल रहे हैं। तो सोचिए नुकसान होगा, क्योंकि पब्लिक ही, जो जनता है दोस्तों, उसी से हर एक चीज चलता है। तो जिसके पास जनता है उसी की सब सुनता है। तो येस बैंक के पास अब जनता नहीं रहा, चाहे येस बैंक में कितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, फिर भी अगर राकेश झुनझुनवाला लोग जैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है तो कुछ तो स्पेशल होगा। तो 10 रुपीज़ के प्राइस में लिस्ट हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप खरीद रहे हो 30 या 40 रुपीज़ या 20 रुपीज़ के प्राइस में खरीद रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो लाइक कीजिएगा। हम जल्दी इसका जो है अपडेट वीडियो लाएंगे और डालेंगे दोस्तों, क्योंकि येस बैंक जब 10 रुपीज़ के आसपास लिस्ट होगा तो वीडियो बना के डालना पड़ेगा, क्या है, कैसे है, कितना लोगों को मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे अप टू डेट न्यूज़ आपको मिलता रहेगा।